नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि रहेगा सुपरलेटिव्स इन इंडिया। ये जो टॉपिक है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सुपरलेटिव जो होते हैं वो होते हैं लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाइएस्ट, ये सब जो होते हैं ये होते हैं सुपरलेटिव्स। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो मोस्ट सेलेक्टेड, इम्पोर्टेंट और हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, जिनके आने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द लॉन्गेस्ट ब्रिज अबव वाटर इन इंडिया, सबसे लंबा ब्रिज जो है इंडिया में पानी के ऊपर, वो कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा धौला सादिया ब्रिज। तो दोस्तों, धौला सादिया ब्रिज जो है ये सबसे लंबा ब्रिज है इंडिया का पानी के ऊपर, जिसको कि भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज जो है अबव वाटर वो कौन सी स्टेट में है, तो आपका आंसर होगा आसाम में। ये जो ब्रिज है धौला सादिया ब्रिज, ये है आसाम में। द लार्जेस्ट एनिमल फेयर इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया में जो सबसे बड़ा जो एनिमल फेयर होता है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर होगा सोनपुर कैटल फेयर। तो दोस्तों, सोनपुर कैटल फेयर जो है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनिमल फेयर है इंडिया का। सोनपुर कैटल फेयर जो होता है ये इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एनिमल फेयर होता है, और ये होता है बिहार स्टेट में। द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया में सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा श्री षण्मुखानंद हॉल। तो दोस्तों, श्री षण्मुखानंद हॉल जो है वो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है इंडिया का, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है मुंबई में। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा वुलर लेक। वुलर लेक जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। द हाइएस्ट डैम इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया में जो सबसे ऊंचा डैम है वो कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा टेहरी डैम। टेहरी डैम जो है वो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, जो कि वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट डैमों में से एक है, और दोस्तों ये लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो कि लोकेटेड है राजस्थान स्टेट में। द लार्जेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया, तो दोस्तों सबसे बड़ा केव टेम्पल कौन सा है इंडिया में? तो हमारा आंसर होगा द कैलाशनाथ टेम्पल। द कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो सबसे बड़ा केव टेम्पल है इंडिया का, और ये किसको डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और दोस्तों ये जो है ये लोकेटेड है एलोरा केव्स पे, जो कि है महाराष्ट्र स्टेट में। द लार्जेस्ट जू इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा जू कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। तो दोस्तों श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा जू है, जो कि है 22.39 किलोमीटर लंबा। तो दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क जो है ये कौन सी स्टेट में है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश स्टेट में। द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा मॉस्क जो है वो कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा जामा मस्जिद दिल्ली। तो दोस्तों जामा मस्जिद जो है वो सबसे बड़ा मॉस्क है इंडिया का। जामा मस्जिद जो है वो बनवाया था मुगल एम्परर शाहजहां ने, जो कि बना था 1650 से लेकर 1656 के बीच में, जिसकी कैपेसिटी है 25,000। द हाइएस्ट पीक इन इंडिया, तो दोस्तों सबसे ऊंची पीक कौन सी है इंडिया में? तो हमारा आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो सबसे ऊंची पीक है इंडिया की। कंचनजंगा जो है ये लोकेटेड है सिक्किम स्टेट में, और ये वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे लंबा टनल कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा पीर पंजल रेलवे टनल। पीर पंजल रेलवे टनल जो है ये सबसे लंबा रेलवे टनल है इंडिया का, जो कि है 11 किलोमीटर लंबा, और ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया, तो दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा जो है इंडिया में वो कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा।
सुंदरबन डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है इंडिया का, जो कि लोकेटेड है वेस्ट बंगाल स्टेट में, द स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। तो दोस्तों सबसे ज्यादा एरिया जो है फॉरेस्ट का वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश जो है उसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट है एरिया के मुताबिक बाकी स्टेट की कंपैरिजन में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लॉन्गेस्ट कॉरिडोर इन इंडिया, तो दोस्तों सबसे ज्यादा लंबा कॉरिडोर किसका है इंडिया में? तो हमारा आंसर होगा कॉरिडोर ऑफ रामनाथस्वामी टेम्पल रामेश्वरम। तो दोस्तों रामनाथस्वामी टेम्पल जो है उसका जो कॉरिडोर है वो सबसे लंबा कॉरिडोर है इंडिया का, और ये लोकेटेड है रामेश्वरम में। द हाइएस्ट वॉटरफॉल इन इंडिया, तो दोस्तों सबसे ऊंचा वॉटरफॉल जो है इंडिया का उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर होगा कैम्प्टी फॉल। कैम्प्टी फॉल जो है वो सबसे ऊंचा वॉटरफॉल है इंडिया का, और दोस्तों कैम्प्टी फॉल जो है ये लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया में सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा कुछ डिस्ट्रिक्ट। कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है ये सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, और ये लोकेटेड है गुजरात स्टेट में। हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे ऊंचा गेटवे कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बुलंद दरवाजा जो है वो हाईएस्ट गेटवे है इंडिया का, और साथ ही पूरे वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा गेटवे है, और ये लोकेटेड है फतेहपुर सीकरी में, जो कि है उत्तर प्रदेश स्टेट में। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया में सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है वो सबसे लंबी रिवर है इंडिया की, जो कि इंडिया में ओरिजिनेट होती है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है इंडिया की, जो कि इंडिया में ओरिजिनेट होती है, वो है गंगा रिवर, और जो सबसे लंबी रिवर जो है इंडिया में जो कि फ्लो होती है वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है, वो होती है तिब्बत में ओरिजिनेट। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा इंपीरियल म्यूजियम। इंपीरियल म्यूजियम जो है वो सबसे बड़ा म्यूजियम है इंडिया का, और ये कहां पे है? तो ये है कोलकाता में। स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन, तो दोस्तों इंडिया की सबसे छोटी स्टेट कौन सी है पॉपुलेशन में, मतलब सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है इंडिया की? तो हमारा आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम स्टेट जो है वो सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया की। द टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया, तो दोस्तों सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है इंडिया में? तो हमारा आंसर होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है इंडिया में, जिसकी लंबाई है 182 मीटर। और दोस्तों साथ ही साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये वर्ल्ड का भी सबसे ऊंचा स्टैचू है, और दोस्तों ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये लोकेटेड है गुजरात स्टेट में, और ये डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का। स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया, तो दोस्तों इंडिया की सबसे छोटी स्टेट कौन सी है एरिया में? तो हमारा आंसर होगा गोवा। गोवा जो है वो सबसे छोटी स्टेट है इंडिया की एरिया में। लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, तो दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है एरिया में? तो हमारा आंसर होगा राजस्थान। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, तो दोस्तों सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है इंडिया में? तो हमारा आंसर होगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है उसका जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है इंडिया का, और ये कहां पर है? ये है उत्तर प्रदेश स्टेट में। द बिगेस्ट स्टेडियम इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा सॉल्ट लेक स्टेडियम। सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो दोस्तों सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है इसको युवा भारती क्रियांगन भी कहा जाता है, जिसकी कैपेसिटी है 85,000, और ये लोकेटेड है कोलकाता सिटी में, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल स्टेट की, और साथ ही ये वर्ल्ड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा मुंबई।
मुंबई जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी है इंडिया की, और ये कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र स्टेट में। और दोस्तों सबसे पॉपुलेटेड सिटी है इंडिया की दिल्ली, दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है और मुंबई सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी है। द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट, तो दोस्तों सबसे लंबा पैसेंजर ट्रेन रूट कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। तो दोस्तों विवेक एक्सप्रेस इंडिया की लॉन्गेस्ट पैसेंजर रूट ट्रेन है जो कि चलती है डिब्रूगढ़ आसाम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन, तो दोस्तों सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है इंडिया की पॉपुलेशन में, तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट जो है वो सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की पॉपुलेशन में। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, तो दोस्तों सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है इंडिया का, तो हमारा आंसर होगा NH-44। NH-44 जो है वो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है इंडिया का, जो कि है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। श्रीनगर जो है वो आता है जम्मू एंड कश्मीर में, और कन्याकुमारी जो है वो है तमिलनाडु स्टेट में। द स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो दोस्तों कौन सी स्टेट की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन का मतलब होता है तटरेखा, तटरेखा जो होती है उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। तो हमारा आंसर है गुजरात, गुजरात जो है उसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। द हाइएस्ट लेक इन इंडिया, तो दोस्तों सबसे ऊंचा लेक कौन सा है इंडिया का, तो हमारा आंसर होगा चोलमू लेक। चोलमू लेक जो है वो सबसे ऊंचा लेक है इंडिया का। और दोस्तों चोलमू लेक जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है नॉर्थ सिक्किम में, सिक्किम स्टेट जो है उसमें लोकेटेड है चोलमू लेक। द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा सलाइन वाटर लेक कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा सांबर सॉल्ट लेक। सांबर सॉल्ट लेक सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, जो कि है राजस्थान स्टेट में। द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया बाय एरिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है एरिया में, तो हमारा आंसर होगा वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक जो है ये सबसे बड़ा लेक है इंडिया का एरिया में, जो कि है 96.5 किलोमीटर लंबा, और ये लोकेटेड है केरला स्टेट में। लार्जेस्ट केव इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी केव कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा अमरनाथ। अमरनाथ केव जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी केव है, जो कि लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ सदर्न इंडिया, तो दोस्तों साउथ इंडिया जो है, सदर्न इंडिया जो है उसकी सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी रिवर जो है वो सबसे लंबी रिवर है सदर्न इंडिया की। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे लंबा डैम कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा हीराकुड डैम। हीराकुड डैम इंडिया का सबसे लंबा डैम है, जो कि है 25.8 किलोमीटर लंबा, और ये है महानदी रिवर के अक्रॉस। और ये कौन सी स्टेट में है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हीराकुड डैम जो है वो कौन सी स्टेट का है, तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा स्टेट। द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे ऊंचा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा परमवीर चक्र। गैलेंट्री अवार्ड को हिंदी में कहते हैं वीरता पुरस्कार। तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। पहला परमवीर चक्र दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को 3 नवंबर 1947 को। और दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2019 में परमवीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर होगा इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन। द हाइएस्ट अवार्ड इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो इंडिया का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा अवार्ड है। पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था सी राजागोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को 1954 में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर होगा प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इन तीनों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। द बिगेस्ट चर्च इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा सेंट कैथेड्रल। सेंट कैथेड्रल जो है ये सबसे बड़ा चर्च है इंडिया का, जो कि लोकेटेड है ओल्ड गोवा में। द सदर्न इंडियन स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन,
तो दोस्तों लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है सदर्न इंडिया में? तो हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट जो है उसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है सदर्न इंडिया में। कोस्ट लाइन जो होती है ये होती है तट सीमा। तट सीमा को इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल लाइन।